नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शिव हरपाल सिंह सोखी। भाई, दिवाली में मिठाई तो बनती है और मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया हेल्दी मिठाइयां बनाई है। अब मठरी बनाते हैं। अब मठरी बड़ी फेमस है, मतलब मज़ा आता है। मतलब लोग शक्कर पारे तो बनाते हैं, लेकिन मठरी अगर बनाएंगे तो कैसा लगेगा, और वो भी बेसन और मैदे की। मुझे ना मैदे की अच्छी लगती है, लेकिन अगर उसमें बेसन का कॉम्बिनेशन हो तो मज़ा आ जाएगा। और बनाएंगे डिस्को मठरी, छोटी वाली। क्या करना है, सबसे पहले ये लीजिए, बोल ले लेते हैं, ठीक है। बोल में मैदा लेते हैं, एक कप, ज्यादा नहीं, और मतलब 3/4 कप, 3/4 कप बेसन ले लेते हैं, आधा छोटा चम्मच अजवाइन। बेसन है तो अजवाइन, दोनों साथ साथ चलते हैं, अदरवाइज टू मच ऑफ प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। और काली मिर्च एक छोटा चम्मच डालें, ये लीजिए, ये डाल ली। हल्दी आधा छोटा चम्मच डाल लें, और अमचूर पाउडर डालता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। मतलब कि आप समझिए, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये भी डाल लेते हैं, ये लीजिए। और भाई नमक चमक करना मत भूलिएगा, पूरी एनर्जी के साथ, ये लीजिए। बढ़िया घी डाल लेते हैं, ये लीजिए, और मिक्स कर लेते हैं। वाह, तो घी हमने डाला लगभग 1.5 बड़ा चम्मच, ठीक है, ये लीजिए, और इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि घी अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके साथ साथ बेसन और मैदा जो है ना वो भी मिक्स हो जाए, ये लीजिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो ये लीजिए डो हमने बना लिया। बढ़िया, अब एक काम करेंगे, मठरियां बनाएंगे छोटी छोटी, डिस्को साइज, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया एकदम डिस्को साइज, देखिए ऐसे करके एकदम छोटी वाली मठरी, जो बहुत ज्यादा मोटी नहीं। अब इनको हम ये तेल में छोड़ देते हैं, आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं, तेल में हम डाल देते हैं, ये लीजिए। तेल का टेम्परेचर मैनेज करना आना चाहिए, मेरे ख्याल से जब मैंने डाला थोड़ा सा हाई था, इसलिए मैंने इस वक्त बंद कर दिया है, और वापस शुरू कर देंगे। देखिए अभी टेम्परेचर ड्रॉप होगा, वापस शुरू कर देंगे, ये थोड़ा सा आना चाहिए आपको, ये आ जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप रेगुलरली खाना बनाएंगे, ठीक है। अब मैं वापस तेल शुरू कर देता हूँ, इसको धीमे आँच पे, मतलब मीडियम फ्लेम पे घर पे पकने दीजिए, आराम से पकने के लिए कम से कम 6-8 मिनट लग जाएंगे, मठरियाँ ऊपर आ जाएंगी, तैरने लगेंगी, समझ जाइए कि अंदर तक पक गई हैं, फिर आप फ्लेम बढ़ा सकते हैं और कलर कर सकते हैं, मतलब ब्राउन कलर कर सकते हैं। अब मठरियाँ जब फ्राई हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है, मठरियाँ अपने आप तैरने लगती हैं, हिलने लगती हैं, हल्की हो जाती हैं इसलिए, और ये ऑलमोस्ट तैयार है, बढ़िया कलर आ गया है इसमें। अब मैं अपने एक टिश्यू रोल में निकाल लेता हूँ इनको, ये लीजिए, और फिनिश करने के लिए एक काम करते हैं। अब फिनिश करने के लिए इस पे थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं, चाट मसाला, और करारा करने के लिए थोड़ी सी मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर। बढ़िया मठरियां तैयार हो गई है परोसने के लिए, मसाले के साथ बढ़िया मिक्स कर लें। वाह, छोटी छोटी मठरियां हैं, गिल्ट फ्री ईटिंग, मतलब एक आध खा भी ली तो चिंता नहीं है कि बहुत ज्यादा नहीं खा लिया, इसलिए इस दिवाली डिस्को मठरी विद शेफ हरपाल।